1988 से चल रहा हमारा होटल, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। इनके बाप दादा जो चलाते हुए आ रहे हैं जब से, वो एक ही मसाले एक ही जायके। वाइट चिकन हो गई, बारबेक्यू का आइटम हो गया, फास्ट फूड हो गया। तो भाई आज हम लोग आए हैं डेली रेस्टोरेंट पे, ठीक है, डेली मुस्लिम रेस्टोरेंट पे आ जाए हैं, इसका टेस्ट देखेंगे। 3 नंबर दिल्ली स्ट्रीट का फेमस है। आज चलते हैं, टेस्ट आप लोगों को बताते हैं यहाँ की स्पेशलिटी क्या है और यहाँ पर क्या खास मिलता है, और इसके अलावा बारबेक्यू आइटम सारा कुछ बताएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। भाई यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, पूछते हैं इनके आइटम, ठीक है, यहाँ के स्पेशल आइटम और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हो? ठीक हो, शुक्र है मालिक। तो आप यहाँ पर काम करते हैं? जी जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गए। दिल्ली रेस्टोरेंट कितना पुराना है? ये दिल्ली रेस्टोरेंट सबसे पुरानी शाख है, वो है हमारी 1988 की है, और बाद में ये आई है, इसको भी 14-15 साल हुए, पुरानी वो है। अच्छा, पुरानी सामने वाली है। और ये नई ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच है, इसे तीसरी ब्रांच हमारी आगे वाले रोड पर। स्पेशल आइटम क्या मिलते हैं यहाँ पर? इधर माशाल्लाह सारा ही है, आवाम जायके की वजह से आती है। अच्छा। वाइट चिकन हो गई, बारबेक्यू का आइटम हो गया, फास्ट फूड हो गया। का नाम दिल्ली रेस्टोरेंट क्यों रखा गया? दिल्ली तो एक कॉलोनी है, दिल्ली बिरादरी है, कॉलोनी है, तो इस वजह से वो शुरू से दिल्ली के नाम से ही है, और ये मशहूर भी दिल्ली के नाम से, दूर दूर तक सिर्फ दिल्ली रेस्टोरेंट के आप तो की हो गई, विंदर हो गई, और अपना शेर से ये खारादर लियारी जितने भी हैं सब यहीं आते, आप तो की सारा यहीं आता, नेवल यहीं आता। मतलब स्पेशलिटी क्या है यहाँ की? वाइट चिकन हो गई, टिक्का हो गया, और फास्ट फूड हो गया, ये सारे स्पेशल आइटम है, हम ज्यादातर यहीं किसी चीज के आती है, सुबह 4 बजे तक ऑन रहता। अच्छा, और यहाँ पर चरगा भी मिलता है? चरगा लोग खाते हैं? नहीं, चरगा ज्यादा खाते हैं, चरगा पूरे इधर बल्लिया में है ही नहीं, ये हमारे पास ही है चरगा। इनके पास वाइट कढ़ाई है, इसके अलावा बारबेक्यू आइटम, चरगा, क्या क्या चीजें नहीं है, ठीक है ना, और कढ़ाइयाँ भी है सामने है लगी हुई है। जो बंदा यहाँ पर बैठ के खाना चाहता है तो वो सामने से ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दोनों एक ही, अगर यहाँ आइटम नहीं होते वहाँ से मंगा लेते हैं, और वहाँ नहीं होते यहाँ से मंगा लेते हैं, दोनों एक ही होटल है, एक ही मालिक है। और प्राइसेस रीजनेबल है या नहीं? नहीं, वो तो फिर गोश्त के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे कम होते रहते हैं, अभी गोश्त का रेट कम है तो कम कर दिए, बढ़िया रहे तो बढ़ा देते हैं। चलो ठीक है। दिल्ली मुस्लिम रेस्टोरेंट में आप लोगों को हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, जैसे बारबेक्यू आइटम्स, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कबाब, बोटियाँ, इसके अलावा टिक्के, और भी बहुत सारी चीज़ें। और बारबेक्यू आइटम के साथ हम लोग खाते हैं पराठे, और वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी लच्छे पराठे। और यहाँ का स्पेशल चरगा भी मिल जाएगा आप लोगों को, हाफ भी और फुल भी। दिल्ली रेस्टोरेंट का नाम है और साथ साथ सालन ना आए तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? भाई यहाँ पर कढ़ाइयाँ भी मिल जाती हैं, वाइट कढ़ाई, अलग अलग तरीके की कढ़ाई, कीमा, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद कबाब भी मिलते हैं, और कबाब के साथ साथ यहाँ पर कबाब रोल भी मिलता है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। फास्ट फूड में भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी हैं, जैसे ब्रोज, उसके अलावा जिंगर बर्गर, फ्राइज़, और भी बहुत सारी चीज़ें। और अभी तो आना बनता है ना यहाँ पर। दिल्ली रेस्टोरेंट लोकेटेड है बल्दिया टाउन 3 नंबर दिल्ली स्ट्रीट में, और गूगल मैप में भी आ जाता है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग बारबेक्यू के साथ खाते हैं, चपातियाँ, ठीक है ना। यहाँ पर बारबेक्यू का सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, टिक्का, गोला कबाब, इसके साथ देखो क्या क्या आइटम नहीं है यहाँ पर। और तो ये भाई मिले हैं और इनसे इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि भाई ये दिल्ली रेस्टोरेंट कितना पुराना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हो, करम अल्लाह पाक का। तो आप बताएं कुछ दिल्ली रेस्टोरेंट के बारे में, कब खुला और स्पेशलिटी क्या है इसकी? भाई ये 1988 से चल रहा हमारा होटल। अच्छा। तकरीबन जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ये इनके बाप दादा जो चलाते हुए आ रहे हैं जब से, वही एक ही मसाले एक ही जायके। बाकी आप आवाम से पूछ सकते हो, हम अपनी सारी खुद नहीं करते, आप आती जाती आवाम से ही पूछ लो, नामी ग्रामी होटल है, नाजमाबाद, सईदाबाद, फोर्ट बेसन, यहाँ वहाँ कहीं भी आप नाम लो दिल्ली का, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके जायके कैसे हैं। और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी तो लाल सीना है, जो हमारा रेगुलर सीना है ना, वो स्पेशलिटी, लोग उसको डबल मसाले का करके करवाते हैं। और बारबेक्यू में क्या स्पेशल? वही लाल टिक्का। अच्छा। और फ्राई में हमारी वाइट चिकन।
अच्छा, व्हाइट चिकन की इतनी गारंटी है कि आप जो व्हाइट चिकन इधर लेके जाओगे ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्राइसेस रीजनेबल है या नहीं? प्राइस देखो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, अभी मुर्गी सस्ती हुई है प्राइस नीचे आ गए, जब मुर्गी बढ़ती है थोड़ी प्राइस ऊपर करना मजबूरी बन जाती है। और रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है? आप रिस्पॉन्स माशाल्लाह ऐसा है हमारा कि आज तो आप थोड़ा सा काम हल्का है, आवाम भी कम है, आप हफ्ते एतवार को आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा काम कैसा होता है। इसकी कितनी ब्रांचेज हैं? इसकी 3 ब्रांचेज है, ये हेड ब्रांच है जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा, सामने एक ब्रांच, पीछे होटल। अब बारी है खाने को टेस्ट करने की और हम लोगों ने मंगाया हाफ चटका और साथ साथ वाइट कढ़ाई। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी होती है। सबसे पहले मैंने चटका ट्राई किया जो कि भाई फुल मसाले के साथ लगा के खाया। अय हाय हाय हाय, मसाले में जो फ्लेवर था ना मज़ा ही आ गया। वाइट कढ़ाई भी ट्राई की, वो भी मज़ेदार थी। तो चलो फिर आप लोगों से खाने के बाद ही मिलते हैं। खाने के बाद अगर मीठा हो जाए तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे आइसक्रीम खाने के लिए और चेक मारो मैंने करंच कुल्फा मंगाया हमेशा की तरह और आया है 75 रुपये में, ये पूरा का पूरा कप है। इसके बाद बादाम वाला फ्लेवर जब ये ट्राई किया ये भी मज़ेदार था लेकिन करंच से मज़ेदार नहीं था। इसके बाद भाई अजान ने थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा किया और इसने मंगाया फालूदा, ठीक है ट्राई किया तो इसको भी मज़ेदार लगा। और इससे मैंने एक चम्मच ट्राई किया तो भाई साहब ये भी मज़ेदार था। आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना और बताना कमेंट में आप लोगों को कैसी लगी और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस रेस्टोरेंट पे होनी चाहिए, वो कमेंट में बताओ। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।